हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, 7 बजने वाले हैं लगभग। शायद हम चेक करते हैं, हाँ 7 बजने वाले हैं। और मैं आपको का व्यू दिखाती हूँ सुबह सुबह का। ये व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल ग्रीनरी के साथ। लद्दाख में ये ग्रीनरी मिसिंग थी, वहाँ पहाड़ तो थे पर इतनी ग्रीनरी नहीं थी। अब आप देखना, यहाँ सुबह सुबह सब अपने काम पे आ रहे जा रहे हैं। यह है रांची गांव। यह नीचे, ये यहीं पे हमारी बाइक पार्किंग हो गई थी रात। ये मेरी बाइक खड़ी है। रात को भटकने के बाद, रात को इतना ज़्यादा भटकने के बाद हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच गए थे, 10 बजे। यहाँ हमें खाना भी मिल गया था, 120 रुपये की थाली। इसमें रोटी थी, सब्जी थी, दाल थी, चावल थे। अब हम देखते हैं ट्रैकिंग कहाँ से करेंगे। बाइक्स तो हम यहीं छोड़ सोच रहे हैं, सामने पार्किंग है ये। लेकिन ये पूरा रास्ता कवर करने के बाद, 1.5 किलोमीटर का रास्ता कवर करने के बाद तब आएगा हमारा मध्य महेश्वर का ट्रैक। चलिए ट्रैक पे मिलते हैं अब आपसे। अब हम ट्रैक पे निकलेंगे मध्य महेश्वर के लिए, और हमारे साथ ये और एक वो हम जाएंगे। और ये जो ट्रैक है ये भी इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी रिस्क है क्योंकि इस पे भालू और बाघ वगैरह आते हैं। तो शॉर्टकट नहीं लेना, इसकी स्टोरी मैं आपको रास्ते में बताऊंगी कि शॉर्टकट क्यों नहीं लेना, ठीक है ना। हमने इसको समझा ही दिया कि शॉर्टकट नहीं लेना ये बहुत शॉर्टकट लेती है कितने रुपए है पराठा? 40 रुपए। ठीक है, कैश पेमेंट चाहिए मेरे को। और चाय मिलेगी साथ में? साथ में चाय मिलेगी। तो जरा सकल भी दिखा दो। उधारी का कोई धंधा नहीं साइड होके खड़े हो ना। ये रूट लेके जाना है हमने मध्य महेश्वर। चलो इस रूट को करते हुए ये एक पहला साइन बोर्ड मिला है हमें, जहाँ से मध्य महेश्वर 14.550 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये 1, 2, 3, 4 गांव भी दिखा रहा है। कर दिया मम्मी को। ये हम ट्रैकिंग करके आ रहे हैं और अभी हमें नीचे तक जाना है। अभी आप ऐसे आपको दिखाती हूँ व्यू। वहाँ दूर जाके एक गांव है, मेरे फ़ोन में अभी दिख नहीं रहा है, अभी हम काफ़ी दूर हैं। और ये ट्रैक है जो करना है, और ये ट्रैक करके हम आ गए हैं। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। हर हर महादेव। सुन रहे हो ये सॉन्ग? बिल्कुल, हम अभी जंगलों के बीच में हैं बस। लेकिन यहाँ पे भी, इस ट्रैक पे भी काफ़ी रश है और काफ़ी लोग जा रहे हैं। ये जो साउंड है ये पेड़ों पे पंछियों का है। ट्रैक तो बिल्कुल ऐसा ही है और पूरा जंगल ही है। सामान लाने ले जाने के लिए यहाँ पे भी खच्चर का यूज़ होता है। इस ट्रेल पे कोई व्हीकल तो क्या आएगा। अभी देखो नीचे गांव में राशन लेके जा रहा है खच्चर। अभी हम 3 किलोमीटर चले हैं श्री मध्य महेश्वर। 12:30 है यहाँ से। और ये झरना बना था यहाँ पे, मतलब अब हमें पहले पड़ाव पे गोंडार गांव में पहुँचे हैं। कम से कम 5 किलोमीटर अभी तक चल पाए हैं, अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है।
रास्ता कवर कर रहे हैं, तो शॉर्टकट के चक्कर में मैंने इसलिए मना किया था कि नहीं जाना, क्योंकि शॉर्टकट लेने में आपका पैर स्लिप हो सकता है पहाड़ों से, ऐसे पहाड़ हैं बिल्कुल, इसलिए ट्रेल पे ही चलते रहो। सामने ये रास्ता बंद है, ये भी वापस लौट के आ रहे हैं, हो सकता है डिजास्टर आने से ही रोड बंद हो गई हो। अब ये कच्चा रास्ता बना हुआ है और उस पुल से हमें क्रॉस करके नीचे नीचे से ऊपर आना है फिर दोबारा। कच्चा रास्ता है और ऐसे इस पे बना हुआ है और वो आप देख रहे हो कुछ लोग शूज उतार के निकल रहे हैं ताकि वो स्लिप ना करें, और मुझे लगता है मेरे को भी शूज उतार के ही जाना पड़ेगा। देखते रास्ता कैसा है, अच्छा नहीं है। ये यहाँ से उतरी है, इसकी हालत खराब है, ये गहरी मेरे को खच्चर करा के दो और खुद भी खच्चर पे चलो, इसने तो कितनी बार तुमने शूज निकाल दिए। ये इस पानी की है, इतना पानी बह के आ रहा है ये, और ये बिल्कुल अभी फ्रेश बना हुआ पुल है क्योंकि रास्ता ऊपर से जो था वो बह गया और पुल भी हमने बहता हुआ देखा, वो देख रहे हो सामने वो सब वहाँ से बह गया है। आप ये देख रहे हो ये जो रास्ता था ये टूट गया इस वजह से, ये मतलब ऐसे बनाया हुआ है। अभी मैं वहाँ से उतरी थी और अब मुझे यहाँ से चढ़ना है बिल्कुल पत्थरों के बीच में से, और हालत तो अभी ठीक है क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है, जब धूप थी तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि चला नहीं जाएगा, लेकिन अभी हम फिर से चल रहे हैं और 7 बजे यहाँ शाम को ही आरती होती है, सुबह को आरती नहीं होती, तो शाम की आरती देखने के लिए हम जल्द से जल्द पहुँचना चाहते हैं वरना हमें एक दिन और रुकना पड़ेगा। बताओगे आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मैं मेरा नाम कुमारी आशिका पाल। आशिका, और आपका? हमारा नाम अवनी। बहुत अच्छा नाम है, बाय। यहाँ पे हमें रेनबो देखने को मिला, ये भैया के हमने खच्चर बुक की है क्योंकि बहुत स्टीव हाइट है जिस हमसे नहीं चढ़ा गया, और खच्चर किया है। जिस पे मैं बैठी हूँ इसका नाम पूजा है, जिस पे वो बैठी है उसका नाम काली है, वो भैया में लेके आए हैं। पूजा बहुत अच्छी राइड करा रही है, बिल्कुल ऐसे स्टीव है हाइट, और मैं जिस खच्चर पे बैठी हूँ ये फीमेल है और इसका नाम पूजा है, बहुत चंचल है, बहुत अच्छे से लेके जा रही है। ये रास्ता कर रही हूँ नीचे से, ये पूरा करके आई हूँ इसी पे और अभी यहाँ तक जाना है, और ये पूरा रास्ता है देख सकते हो। पूजा ने अभी मुझे घास में घुसा दिया था, जिस खच्चर पे मैं हूँ ये इसका नाम पूजा है, बहुत अच्छी है, और ये पूरा रूट है जो मैंने अभी तक कवर किया है। हमारी पूजा जी ने हमें सही सलामत मंदिर पे पहुंचा दिया। पूजा ने बहुत साथ दिया, थोड़ा बीच बीच में डराया इसने मुझे एक जगह। ये पूजा और काली की जोड़ी, और ये भैया हमें लेके आए हैं और हम मंदिर आ गए, वो मंदिर है, आरती होने वाली है अभी, टाइम 6 बजे है, 7 बजे आरती होगी, चलते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति सर्वारिष्टा सर्वो भद्रवा शांतिरस्तु बोलिए मत महेश्वर भगवान की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय, नरेश्वर भगवान की जय, मुकुंद भैरव भगवान की जय, त्रित्रम्बे मातु की जय, गो माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भक्तोर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पंच केदार की जय, पंच बद्री की जय, पंच प्रयागों की, बद्रीनाथ भगवान की, उत्तराखंड धाम की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का,
ओम नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभू।